तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है रुपेन कुमार शर्मा। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि आपको आने वाले सीजीपीएससी प्री में जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत मदद करेगी, हेल्प करेगी। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो लगातार जो अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा सकते, जो काम करते हैं, जो घर बैठे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो मेरे वीडियोस को देख के एकदम बिल्कुल प्री का एग्ज़ाम तो एक बार में पास कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस यही कहना चाहूँगा, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना तो भूलना ही नहीं है। ज़्यादा बात नहीं करते, फोकस करते सीजीपीएससी प्री में। देखते पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में काली मिट्टी को स्थानीय आधार पर क्या नाम दिया गया? स्थानीय आधार क्या होता है? लोकल लैंग्वेज में उसे कन्हार कहा जाता है। क्या? कन्हार मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी भवन के निर्माण मिट्टी कहा जाता है, भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है? तो वो है आपका लेटराइट मिट्टी को भवन निर्माण की मिट्टी कहते हैं। मतलब जो भवनों के निर्माण होते हैं उसमें लेटराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेटराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी भी कहा जाता है। स्थानीय नाम लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? भाटा मिट्टी भी कहा जाता है। देखो, मिट्टी से क्वेश्चन बनाएगा, सीजीपीएससी के कुछ क्वेश्चन मिट्टी के बेस पे होते हैं, तो इस सेक्शन को अच्छे से करिए, है ना, फोकस रहिए, तैयारी को प्रॉपर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? प्राकृतिक विभाजन क्या होता है? मतलब जो उसका प्राकृतिक क्षेत्र में जो उसका बंटवारा होता है, तो उसकी बंटवारा कितने में हुआ है? तो वो हुआ है आपका चार भागों में हुआ है बंटवारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 66। छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक प्रदेश में सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक, भौगोलिक मतलब उसके भूगोल क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है महानदी बेसिन। कौन सा है? महानदी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में सभी प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे ऊंचा कौन सा है, हाइट में कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है? तो इसका आंसर है जसपुर सामीर पाट, सबसे ऊंचा छत्तीसगढ़ राज्य में है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। 68। वन क्षेत्र सर्वाधिक छत्तीसगढ़ राज्य के किस प्राकृतिक प्रदेश में है? सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा किस में है? तो यह है दंडकाय, दंडकाय क्षेत्र में है। वन क्षेत्र सर्वाधिक छत्तीसगढ़ राज्य के किस प्राकृतिक प्रदेश में है? तो दंडकाय क्षेत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, और छत्तीसगढ़ राज्य की अक्षांशी लंबाई कितनी है? दो ही क्वेश्चन है, एक ही मतलब है, पर दो टाइप से पूछता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और छत्तीसगढ़ राज्य की अक्षांशी लंबाई कितनी है? 69 नंबर क्वेश्चन। तो 700 किलोमीटर, कितना है? 700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, या छत्तीसगढ़ की देशांतरी लंबाई कितनी है? दोनों सेम है, पूछने का तरीका अलग है। तो 70 का है ब, 435 किलोमीटर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। और 71 नंबर क्वेश्चन तो पैटर्न है सीजीपीएससी का, असत्य कथन को पहचानिए। मतलब चार ऑप्शन दिया है, इसमें चार में से गलत कौन सा है? तो महानदी का कछारीय भाग उच्च स्थल पर है, यही है रॉन्ग। सामीर पाट प्रदेश का सबसे ऊंचा पठार है, ये बात सही है। बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आंक्रियंस चट्टानों से हुआ, ये बात भी सही है। और महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग तक फैला, ये तीनों चीज सही है, जबकि पहला वाला गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन सीजीपीएससी के पैटर्न्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब तक आपको जितने भी क्वेश्चन कराया है उसकी डिटेलिंग भी देते चल रहा हूं मैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिए, पूरा बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन करा रहा हूं मैं। ठीक है ना, देखते अगला क्वेश्चन। बिल्कुल, सरगुजा बेसिन का प्रमुख खनिज, सरगुजा बेसिन का प्रमुख खनिज कौन सा है? 72 नंबर क्वेश्चन।
सरगुजा बेसिन का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो ये है कोयला। कोयला इसका प्रमुख खनिज होता है सरगुजा बेसिन का। 73 नंबर क्वेश्चन, पाट प्रदेश में सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? तो अभी कराया ना, जसपुर पाट। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे ऊंची चोटी किस पाट प्रदेश का हिस्सा है? अभी कराया हूं मैं, जसपुर पाट। इस पाट से जो मतलब पाट होता है ना, उससे क्वेश्चन निकाल के दिया जाता है, तो बिल्कुल इस चीज को आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैन पार्ट में तिब्बतिया को किस सन में बसाया गया? जो तिब्बती आए थे उसको मैन पार्ट में कौन से ईयर में बसाया गया? तो यह है 1962 में उसे बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वाधिक औसत वर्षा किस प्रदेश में होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा तो यह है जसपुर सामीर पाट प्रदेश में होती है। नेक्स्ट, जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो यह है सा बॉक्साइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 78 नंबर देखो, जसपुर पाट किस अपवा तंत्र में शामिल है? अपवा तंत्र में शामिल है, तो इसका आंसर है ब, महानदी अपवा तंत्र में शामिल है। 79, छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल किसे माना जाता है? तो यह है आ, महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महानदी बेसिन का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो यह है कड़प्पा चट्टान। अगला क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के मैदान का ढाल किस ओर है? तो यह है पूर्व की ओर है। ढाल समझते हो ना, वो किस ओर है? वह है पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के मैदान में प्रमुखता कौन सा खनिज पाया जाता है? तो है सा चूना। क्या पाया जाता है? चूना पाया जाता है। 83 नंबर, छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? तो यह है अवसादी चट्टान। अगला, बस्तर के पठार का ढाल किस ओर है? तो बिल्कुल बस्तर के पठार का जो ढाल है वो दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट, दंडकाय के पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो वो 29% भाग पर स्थित है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो वो है चापा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? वो है चापा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वो है अंबिकापुर। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वो है अंबिकापुर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत है। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पलमा चोटी किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो वो है महानदी बेसिन का। नेक्स्ट, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो वो है विंध्याचल पर्वत। अगला, जसपुर सामीर पाट प्रदेश की ढाल किस ओर है? तो वो है दक्षिण पूर्व की ओर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला भू अवशिष्ट नहीं है? तो ये है धमतरी। नेक्स्ट, निम्न तहसीलों में से कौन सा सीमांत तहसील नहीं है? देखेंगे अगला, तो ये है नहरपुर। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से कौन सी जलवायु पाई जाती है? जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का औसत जलवायु कैसी है? तो ये है उष्ण आद्र। नेक्स्ट, बलुई मिट्टी का विस्तार क्षेत्र छत्तीसगढ़ के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? तो यह है 35-36% क्षेत्र में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का औसत तापमान कितना है? यह है 20-35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? यह है कवर्धा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में कहां की मानसून वर्षा होती है? बिल्कुल, ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ब मतलब अरब की खाड़ी से भी और बंगाल की खाड़ी से भी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति वर्ष
औसतन वर्षा सेंटीमीटर में कितनी होती है? तो यह है 120 से 125 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दरहा पहाड़ किस जिले में अवस्थित है? अवस्थित मतलब स्थित है। दरहा पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जांजगीर चांपा। और 102 नंबर क्वेश्चन जो कि सीजीपीएससी का पैटर्न क्वेश्चन है, 102 नंबर क्वेश्चन की सही संबंध या जोड़ी बनाए, तो 102 का आंसर है स, मतलब 4-3-2-1, 4-3-2-1। लाल मिट्टी धान, ठीक है, 4-3-2-1 पैटर्न देख लो, मतलब लाल मिट्टी धान, लाल पीली मिट्टी धान, फिर बलुई मिट्टी ज्वार बाजरा, काली मिट्टी गेहूं गन्ना, फिर लेटराइट मिट्टी चाय बागवानी फसल। तो ये सही संबंध जोड़ों के हिसाब से भी क्वेश्चन को सेट करता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, और बेल आइकन दबाने के लिए भी धन्यवाद। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ आपको सीजीपीएससी प्री के लिए मिलेगा, पूरे कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।